वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कर्मठ क्लासेस। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक इस तरीके से है दोस्तों कि अभी अभी यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की ओर से एक नोटिस जारी हुआ है और वो नोटिस दोस्तों आपके यहां पर शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में है, यानी कि आपके सिलेबस से रिगार्डिंग ये नोटिस जारी हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं नोटिस की। तो नोटिस दोस्तों PDUSU यूनिवर्सिटी है हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, उसकी ओर से लागू किया गया है, यानी कि जारी किया गया है। अब नोटिस क्या है तो दोस्तों यहाँ पर नोटिस है वो शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में है, यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम किसका दोस्तों, यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर रहे हो 4 साल वाला, चाहे आप BEd 2 साल वाला कर रहे हो, तो उनके लिए पाठ्यक्रम मैं बताने जा रहा हूँ और कौन सा पाठ्यक्रम यहाँ पर मान्य होगा, यानी कि अलाउ होगा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके मतलब कि अंडर जितनी भी कॉलेज आती है उनमें जो पाठ्यक्रम यहाँ पर लागू हो रहे हैं उनके संबंध में सूचना है। और ये सूचना दोस्तों यहाँ पर दो ग्रुप बनाए गए हैं, जो आपके विषय यहाँ पर लागू होते हैं आपके जो कोर्सेस में उनमें यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए गए हैं। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पर कौन सा जो पाठ्यक्रम वो लागू होने वाला है, तो वो सब्जेक्ट दोस्तों पहले सामान्य हिंदी है, एक तो सामान्य अंग्रेजी है, ठीक है, हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है और आपके भूगोल और समाजशास्त्र है। जो ये मैंने जो आपके विषय बताए हैं ना, इन विषयों में आपका जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पर पाठ्यक्रम मान्य होगा। तो ये तो बात हो गई ग्रुप ए की। अब ग्रुप बी की बात करें, अन्य विषय यानी कि जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं उनको छोड़कर के अन्य जितने भी विषय हैं उनमें कौन सा पाठ्यक्रम लागू होगा, तो दोस्तों वो आपके राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है उसका यहाँ पर पाठ्यक्रम लागू होने वाला है। तो दोस्तों ये तो था नोटिस आपका जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। और यदि मैं और आपको एक बात और बताना चाहूँ इम्पोर्टेंट, यदि आप सिलेबस के बारे में जानकारी अधिक चाहते हैं, यानी कि आप विस्तार तरीके से जानकारी चाहते हैं, तो वो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और उस पोर्टल का जो मैंने आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू।